देख रहे हैं दखल न्यूज। पाकिस्तान कर रहा है लगातार सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री कमलनाथ की बढ़ रही है मुसीबतें, रकाबगंज कत्लेआम में कमलनाथ का नाम। डकैत बबुली कोल और उसका साथी मारा गया, जंगल में मिले दो डकैतों के शव। मंदसौर नीमच में बाढ़ से हाहाकार, अति वर्षा पर तेज हुई सियासत, चंबल संभाग में सेना ने संभाला बोलचाल। और बीएसपी विधायक रामबाई फिर नजर आई अपने अंदाज में, अब पार्षद की लगाई क्लास। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर करने से बौखलाया पाक लगातार सीमा पर सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से बालाकोट के मेंढर सेक्टर में गोलाबारी की गई, भारत की ओर से इसका कड़ा जवाब दिया गया। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इस वजह से वह लगातार सीमा पार से गोलीबारी कर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 10-11 सितंबर की दरमियानी रात को भारतीय सेना के टुकड़ी ने पाकिस्तान के एक सैनिक गुलाम रसूल को पीओके के काजीपुर सेक्टर में मार गिराया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान के काजीपुर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी करते हुए सैनिक का शव उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के कड़े जवाब की वजह से पाक नाकाम रहा था। इतना ही नहीं, उनका एक और सैनिक और मारा गया था। लगातार दो दिन तक दो सैनिकों के शव उठाने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान को आखिरकार सफेद झंडा दिखाना पड़ा था, जिसके बाद भारत ने अपनी ओर से गोलीबारी रोकी थी और पाक शव उठा सका था। इसके बाद में पाकिस्तान की ओर से बालाकोट के मेढर सेक्टर में कई बार गोलीबारी की गई, भारत की ओर से इसका कड़ा जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप संकट में हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में आपके खिलाफ फाइल खुल चुकी है और गवाह भी तैयार हैं। गवाहों की माने तो 1984 के रकाबगंज कत्लेआम में आपने लोगों को उकसाने का काम किया था। इस मामले में न्याय के लिए लड़ रहे मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि कमलनाथ जी, आपके पास मुख्यमंत्री के रूप में गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि इस मामले में आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। 1994 में रकाबगंज के कत्लेआम में कमलनाथ की क्या भूमिका थी, अब इसका खुलासा हो सकता है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की गिनती के दिन बचे हैं। सिख विरोधी दंगे के चश्मदीद संजय सूरी ने गवाही दी है कि उस दिन कमलनाथ ने लोगों को उकसाया था। सिरसा का कहना है, इस मामले में कमलनाथ को जेल भी जाना पड़ सकता है। लंबे अरसे से 1984 के सिख विरोधी दंगों में न्याय के लिए लड़ रहे लोगों के साथ खड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की माने तो दंगे के चश्मदीद संजय सूरी ने सारा सच नानावटी आयोग को बताया है, जो कि 601/84 FIR है, जिसको दोबारा से खोला गया है कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका क्या रोल था 1984 के रकाबगंज के कत्लेआम के अंदर। उसमें संजय सूरी जी ने अपनी विटनेस देने के लिए आज SIT के पास अपनी मांग रखी है। SIT को कहा है संजय सूरी ने कि वो इस केस में गवाही देने को तैयार हैं। संजय सूरी ऑलरेडी नानावती कमीशन के आगे ये गवाही दे चुके हैं कि कमलनाथ वहां पे था और कमलनाथ ने इंस्टिगेट किया क्राउड को। आज मुख्तियार सिंह भी SIT को रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं, रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि वो भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब कमलनाथ के दिन गिनती के हैं, बड़ी जल्दी ही 1984 के कत्लेआम के केस में कमलनाथ को जेल जाना होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आगाह किया कि 1984 नरसंहार का सच सुनने के लिए तैयार रहें। सिरसा ने कहा कि कमलनाथ के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया कि न्याय में देरी हो सकती है, न्याय से बचा नहीं जा सकता। सिरसा ने संजय सूरी के FIR विटनेस के रूप में पेश होने का स्वागत किया है। इस खबर के मायने क्या है?
क्या वाकई मुख्यमंत्री कमलनाथ मुसीबत में है? जानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय से। सर, क्या लगता है आपको, सीएम कमलनाथ की मुसीबतें क्या वाकई में बढ़ने वाली है? लेकिन शिवाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले होते हैं, जब पुरानी फाइलें खोली जाती हैं, तो उसके पहले एक अध्ययन कर लिया जाता है कि इसमें कितनी गुंजाइश है। और यकीनन जब ये पूरा का पूरा मामला नानावटी आयोग के पास गया, और जिस तरीके से जो नाम आ रहे हैं दो गवाहों के, उनमें से एक संजय सूरी है, दूसरे मुख्तार सिंह है, जब ये नाम आ रहे हैं तो काफ़ी अध्ययन किया गया होगा, उसके बाद इनको तैयार किया गया होगा। क्योंकि जो सिरसा हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चीफ हैं, वो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे, और कमलनाथ को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक सबूत जुटाए गए हैं, ये लोग उस समय कहाँ मौजूद थे जब रकाबगंज गुरुद्वारे का कत्लेआम हुआ था, जब भीड़ थी। एक पक्ष का कहना था इस मामले में, SIT ने दो बार जाँच की और कमलनाथ को क्लीन चिट दिए। तो ये कहा गया था कि कमलनाथ वहाँ लोगों को समझाने गए थे, इनका दावा है कि कमलनाथ वहाँ लोगों को उकसाने गए थे। जो भी है, अब जब गवाह सबूत सामने आएंगे, तो फिलहाल कमलनाथ मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बड़े संकट में गिर गए हैं। सर, क्या लगता है, सिर्फ यही एक मामला है कि कमलनाथ अन्य मामलों में भी अब घिरते नजर आ रहे हैं? देखिए शेफाली, कमलनाथ और भी मामलों में घिरे हुए हैं, तब से समझना चाहिए जब लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ के करीबियों के छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, तब निकल के आया था कि 281 करोड़ रुपए का बेनामी लेन देन कहीं ना कहीं हुआ है। तब कुछ फोन रिकॉर्ड्स हुए थे, उसमें कमलनाथ की आवाज़ें भी हैं, वो सब भी धीरे धीरे सामने आएगा। तो वो मामला था। उसके बाद आप देखें, ये कमलनाथ की बहन नीता पुरी, उनके बहनों दीपक पुरी, उनका भांजा रतुल, जो अभी भी इस समय सीखचू में, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इनके बेटे के कॉलेज को लेकर पूरा का पूरा मामला सामने आया था गाजियाबाद में, उसको तोड़ने के निर्देश हो गए हैं, वो भी मामला स्टे पे चल रहा है। तो कमलनाथ को कई तरफ से घेर लिया है केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ के लिए आगे आने वाला समय बहुत आसान होगा, और अभी कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ जब से कुर्सी पे बैठे हैं, उनके लिए कांटों भरी कुर्सी हो गई, अंतर्कलह वैसे ही बहुत था, और अब ये एक मामला सामने आ रहा है। फिलहाल फिरौती की रकम को लेकर डकैत बाबुली कोल को भी गैंग में झगड़ा हुआ, और गैंग के एक अन्य डकैत लाली कोल ने बाबुली और उसके करीबी लवलेश को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जंगल से दोनों डकैतों के शव बरामद कर लिए हैं। बाबुली की मौत के बाद विंध्य इलाके के एक बड़े डकैत का सफाया हो गया है। इधर पुलिस ने दावा किया है कि बाबुली कोल और उसका साथी मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस की बात पर भरोसा करें तो यूपी और मध्य प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बने डकैत बाबुली कोल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके एक और साथी लवलेश कोल की भी एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस ने सतना के जंगल से दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। इन दोनों के खात्मे के साथ ही सतना और विंध्य में डकैतों का सफाया हो गया है। रीवा रेंज के IG चंचल शेखर, DIG अविनाश शर्मा और SP रियाज इकबाल खुद पिछले कई दिनों से सतना में कैंप किए हुए थे, और आज पुलिस ने इन दोनों के मारे जाने की पुष्टि कर दी। बबुली कोल पर 6,50,000 का इनाम था, तो लवलेश कोल पर 1,80,000 का इनाम था। सूचना मिली कि यह पुनः इसको पैसों की आवश्यकता है और अपना गैंग बड़ा करना चाहता है, और तथा उसका फायर पावर भी बड़ा करना चाहता है। ये ऐसा मुझे बड़े विश्वस्त सूत्रों से, यूपी के किसी सूत्र से, हवाले से मुझे पता चला, और ये ताबड़तोड़ अपहरण करने की योजना बना रहा है। गैंग के आने की वहाँ पे पुष्टि हुई और हमने अपने योजनाबद्ध तरीके से चैलेंज किया, चैलेंज पे वो फायर किए, और जिस पे हमने जवाबी फायर किया, और सुबह जब इसको सर्च किया तो दो बदमाश मिले, मृत मिले, और जिसकी शिनाख्त भी हुई बबली कोल और लवलेश को। या आप देख सकते हैं, आपके पास भी फोटोग्राफ्स होंगे बबली और लवलेश के, और ये इसके पूरे के फोटोग्राफ्स थे, ये दोनों मृत अवस्था में मिले हैं। इससे पहले देर रात खबर आई थी कि फिरौती की रकम के बंटवारे को लेकर बबुली कोल गिरोह में फूट पड़ गई थी, और गैंग में नए शामिल हुए लाली कोल ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही। पिछले हफ्ते बबुली ने एक किसान का अपहरण कर फिरौती लेकर उसे छोड़ा था। उसके बाद डकैत ने अपना एक वीडियो भी जारी किया था। बबुली कोल का केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आतंक था। वो इतना शातिर था कि वारदात करने के बाद दूसरे राज्य में भाग जाता था। इस वजह से वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। मध्य प्रदेश का मालवा इलाके में अति वर्षा के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन इसे लेकर भी सियासत चालू हो गई है। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेताओं ने
मंदसौर जिले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं प्रदेश सरकार ने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, 15 सालों में शिवराज खेतों में चले गए होते तो ये नौबत नहीं आती। ये 15 साल में वह कुछ कर नहीं पाए हैं। हम सरकार में पहली बरसात देख रहे हैं और हर जगह माकूल इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में अतिवर्षा ने भारी तबाही मचाई हुई है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जिले में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। धुंधुड़का गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। शिवराज ने कहा कि मैं सभी नेताओं से यही अपील करता हूं कि अभी राजनीति छोड़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आगे आएं। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करता हूं कि सरकार तो अपनी तरफ से काम करेगी, लोगों को भी अपनी ओर से आगे आकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता संकट में है, ऐसे समय में हम चुप नहीं बैठ सकते। हम लोग विरोध के लिए नहीं, सहयोग करने के लिए आए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है जिनके घर डूब गए हैं उन्हें तत्काल राहत मिले। स्थिति भयानक है और जनता संकट में है। ऐसे समय हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म हमें पुकार रहा है कि हम जनता की सेवा के लिए जो बेहतर कर सकें वो करने का प्रयास करें। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ विरोध के लिए नहीं, सहयोग करने आए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है पानी में घिरे जो गांव है, वो भाई और बहन जिनके घर डूबे हैं उनको तत्काल राहत मिल पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ तात्कालिक राहत बहुत जरूरी है। मंदसौर और नीमच में प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में मैं भी मुख्यमंत्री कमलनाथ या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इन इलाकों में नहीं पहुंचा है। इधर सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इस मसले पर शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसी शर्मा ने कहा, नीमच का पूरा प्रशासन जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। गांधी सागर बांध के दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 36 जिलों में राहत का कार्य जारी है। हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगातार आकलन चल रहा है, पानी गिर रहा है उसके बीच में भी आकलन चल रहा है। अब तक अतिवृष्टि के कारण 15,000 से अधिक घरों को हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त हुई है। ये सर्वेक्षण किया जब तो पता लगा कि 15,000 से ज़्यादा मकानों में नुकसान हुआ है। प्रदेश में 1,066 करोड़ रुपये के राज्य आपदा राहत फंड के अंतर्गत अब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ रुपए ये खर्च किए जा चुके हैं। 325 करोड़ रुपए ग्राम निपानिया पाट बैरसिया में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से चर्चा की और खेत में जाकर के उनकी खराब फसलों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि हमने बारिश की 3 महीने पहले की तैयारियाँ कर ली थी। गांधी सागर बांध को लेकर चल रही अफवाह पर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें अभी और पानी भर सकता है। बांध में पानी आने और निकासी में काफ़ी अंतर है। गांधी सागर डैम के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। सभी को ये बताया जाता है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, गांधी सागर बांध पूरी तरह सुरक्षित है। कल इनफ्लो बहुत ज़रूर था जिसके कारण कि पानी के निकास में और पानी के सबमर्जेंस एरिया में फैलाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इनफ्लो भी काफ़ी कम हो गया है। अभी हमने ई गांधी सागर से जानकारी प्राप्त की है और इनफ्लो लगभग 1.5 लाख क्यूसेक्स के आसपास इनफ्लो है और 6 लाख के आसपास रिलीज किया जा रहा है, तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवर्षा से पीड़ित इलाकों में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। विपक्ष को इन कारणों से लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है और सत्ता पक्ष ठीक तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के हालात बेकाबू हैं। राजस्थान सीमा से लगे जिलों में स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। अति वर्षा से गांधी सागर बांध के 19 गेट खुलने से चंबल नदी के हालात बिगड़ गए हैं। इसकी वजह से कोटा बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। इसका सीधा असर श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले के चंबल के किनारे पर बसे गाँव पर पड़ा है, जहाँ सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। रविवार को भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के 100 से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। श्योपुर और भिंड में बचाव कार्य के लिए सेना बुलानी पड़ी। गांवों को खाली कराकर अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आज सुबह भी सेना और SDRF की टीमों ने भिंड के अटेर में ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अटेर के नावली वृंदावन गांव में चंबल नदी का पानी घुस गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुबह से ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 122 मीटर से 3 मीटर ऊपर यानी 125 तक पहुंच गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अटेर के 5 गाँव को करीब 400 लोगों को बाहर निकाला गया है। श्योपुर की 2 प्रमुख नदियाँ चंबल और पार्वती खतरे के निशान पर है। श्योपुर में तो हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि पाली श्योपुर हाईवे के करीब 1 किलोमीटर हिस्से की निगरानी के लिए बोट चलानी पड़ी। उधर चंबल नदी में आए तूफान से पाली हाईवे पर चिंघाड़ की पुलिया रविवार तड़के 4 बजे डूब गई और श्योपुर का राजस्थान से पूरा तरह संपर्क कट गया। यहां चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। मुरैना में पुराने राजघाट पुल के ऊपर से चंबल बह रही है। इससे 13 साल पहले यानी 2006 में ऐसा हुआ था। लगातार पानी बढ़ने से चंबल किनारे का गांव महुखेड़ा पानी में डूब गया है। हालांकि ग्रामीण पहले ही गांव से निकल आए थे। अभी करीब 2 दर्जन गांव में 5,000 से अधिक लोग गांव में फंसे हुए हैं। चंबल में पानी बढ़ने से उसके किनारे के 89 गाँव में संकट खड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ सेना लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। दंतेवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव से पहले एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, जिसमें अजीत जोगी और मंतूराम पवार के बीच बातचीत हो रही है। इस ऑडियो में मंतूराम पवार अजीत जोगी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऑडियो टेप अंतागढ़ टेप कांड से संबंधित है। अंतागढ़ टेप कांड मामले में एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें मंतूराम पवार अजीत जोगी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में अंतागढ़ में भाजपा विधायक विक्रम उसेंडी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया और वे चुनाव जीत गए। सीट खाली होने पर इस विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने भोजराज को प्रत्याशी बनाया। भाजपा अपनी पुरानी सीट को बरकरार रखना चाहती थी, अतः कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को चुनाव से विड्रॉ करना चाहती थी। मंतूराम पवार अजीत जोगी के करीबी थे। अंततः मंतूराम पवार को चुनाव से हटने के लिए अजीत जोगी को माध्यम बनाया गया। अजीत जोगी के खास और कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमीन मेमन को इस काम पर लगाया गया, जिसके बाद चुनाव से हटने के लिए 7 करोड़ रुपए और भाजपा सरकार में किसी कमाओ निगम या मंडल का अध्यक्ष बनाने का प्रलोभन दिया गया। करता हूँ पूरी गंभीरता से। मैं तो क्या है भैया, क्षेत्र में भी अभी जाता हूँ ना, मेरा तो ऐसी स्थिति है, मैं तो नक्सलाइट के भी टारगेट में आ गया ना, जो कंडीशन ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहा भैया। मैं तो मेरे पास सोसाइटी के अलावा कुछ नहीं, की रास्ता नहीं है, मेरे को तो मरना ही होगा। फिर राजनीति में कंडीशन हो गया मेरा, मैं मजबूरी वर्ष। देखिए भैया, मैं आपको ये बात को बोल रहा हूँ, हमारे रहते तेरे को ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम लोग है यार, राजनीति अपनी जगह है पर अपना रिश्ता तो है। देखिए भैया, क्षेत्र में सही ढंग से जा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ यानी कि मैं किसी को जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। मैं इधर का ना उधर का हूँ, उधर से टारगेट में आ गया कहीं। विशेष करके आपके लिए किया भैया, मैं तो आपके नाम से आपके लिए मैं किया। अमीन भाई आ गए और सारे चीज को बताए। पर कोई बात नहीं, मैं जो तुम बता रहे हो उस आधार पर बात करूंगा। इस पूरे लेन देन प्रलोभन और सौदेबाजी को फिरोज सिद्दीकी नाम के एक ब्लैकमेलर ने रिकॉर्ड कर लिया। यह वही फिरोज सिद्दीकी है जिस पर भाजपा सरकार के तत्कालीन मंत्री राजेश मूनत की सेक्स सीडी बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है और ये अभी जेल में है। पथरिया से BSP विधायक रामबाई एक बार फिर अपने ही अंदाज में नजर आए। एक पार्षद ने जब सरकारी नल को अपने कब्जे में ले लिया तो रामबाई ने उसकी जमकर क्लास लगाई और लोगों से कहा कि इस आदमी को अब वोट मत देना।
बीएसपी विधायक रामबाई अपने तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं। रामबाई को जानकारी मिली कि पथरिया नगर पंचायत के पार्षद ने सरकारी नल को अपने कब्जे में ले लिया है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पार्षद के रिश्तेदारों को मिल रहा है। इसके बाद रामबाई का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर पार्षद को फटकार लगाई। जब लोगों ने रामबाई से शिकायत की कि पार्षद बीएसपी के लोगों को परेशान करता है, तो फिर रामबाई ने उससे कहा कि आज सम्मानजनक स्थान पर बैठ रहे हो तो बाबा साहब के कारण। और एक भी आदमी इस व्यक्ति को कोई वोट नहीं दे देना, हम कह रहे जा बात घर में आवे सबरे मिलके मारियो, ध्यान रखना सब इस जैसे व्यक्ति के साथ। तो तुम्हारी चार भैयों की कुटीर हो नले, तुमने बाउंड्री के भीतर कर लो, मतलब ऊपर जावे के बाद जो भी नहीं सोची कि कम हो देते हैं। सोनी जी तो संगे हते पिछली बार नल लगवाए थे, कहते के बीएसपी वालों को एक के नल नहीं लग सका, थाने से रिपोर्ट गई ना, मना शर्म करो थाने में रिपोर्ट गई थी। रुक जाओ, उन्हें बाबा की वजह से कुर्सी पे बैठे नहीं थे, बैठते लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीडब्ल्यूडी तथा एनपीआरडीसी के तहत बनाई जा रही सड़कों में हो रही देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है और सही समय में पूरे किए जाने के निर्देश दिए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि सिंधिया बड़े नेता हैं, अगर उनके नाम के पोस्टर लग रहे हैं तो अच्छी बात है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे, जहां रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी तथा एमपीआरडीसी के तहत बनाई जा रही सड़कों को सही समय में पूरा किया जाए तथा उनकी गुणवत्ता के बारे में भी विचार किया जाए। कार्य में देरी होने के लिए मंत्री ने शहडोल एवं रीवा संभाग के तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस में कोई पोस्टर वार नहीं है, यह कांग्रेस समर्थकों का उत्साह है। साथ ही कहा कि सिंधिया बड़े और योग्य नेता हैं, सिंधिया का कद मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवार में काफी ऊंचा है। देखिए, आज रीवा में रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक इसीलिए हमने रखी है कि यहाँ पे तत्काल रिन्यूअल का काम हो जाए, सड़क की मजबूतीकरण का काम हो जाए, रिपेयर का काम हो जाए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो या एमपीआरडीसी की हो, वो सारी बातों के लिए आज समीक्षा बैठक। इसीलिए हमारे इंजीनियर इन चीफ दो ही तीनों विभाग के आए हुए हैं और समीक्षा बैठक में अभी कड़क निर्देश दे दिए गए हैं, हमारी तैयारी पहले से है। सिंधिया जी के चाहने वाले बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिंधिया जी बन जाए, पर मैंने कहा है कि सिंधिया जी का कद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से काफ़ी बड़ा है। मंत्री से मिलने रीवा जिले के कुछ किसान भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मंत्री से मुलाकात न होने पर वे कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद रास्ता खाली किया। समीक्षा बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी में हो रही गुटबाजी पर भी रोक लगाने को कहा। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा के रीवा दौरे पर कांग्रेसियों में खास गुटबाजी नजर आई। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू बैठक में देरी से पहुंचे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक,
राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विकास विरोधी सरकार है। सरकार के मंत्रियों में पोस्टर वार चालू है। कांग्रेस केवल तबादला उद्योग चलाने के लिए ही भोपाल में बैठी है। उन्होंने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस भवन पर रोक लगाना निंदनीय है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा शहर में बनाए जा रहे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन भवन पर रोक लगाया जाना निंदनीय है। कमलनाथ सरकार कोई विकास का कार्य नहीं कर रही। पूरे मंत्री पोस्टर वार और तबादले में व्यस्त हैं। सरकार केवल तबादला उद्योग चलाने भोपाल में बैठी हुई है। सरकार के मंत्री पैसा कमाने में लगे हुए हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वहाँ भी जो टॉप लोग मिलते हैं दिल्ली में कभी हमको, अब पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ जर्नलिज्म की पढ़ाई कहाँ से की है, तो कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से की है। कंप्यूटर के कोर्सेज वहाँ चलाए जाते हैं जिससे कि, और इस प्रकार की कई व्यावसायिक शिक्षा, जो शिक्षा पूरी होने के साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैंपस करके प्लेसमेंट के माध्यम से इन बच्चों को रोज़गार दे देती हैं। इस विजन को लेकर हम लोगों ने इसको शुरू किया था कि आज नहीं तो कल एक ऐसी स्थिति बनेगी रीवा में। और TRS कॉलेज हो, मॉडल साइंस कॉलेज हो, न्यू साइंस कॉलेज हो, अभी हम लोगों ने देखा है एडमिशन के लिए कितनी मारामारी हुई। भोपाल का वल्लभ भवन इतना शानदार बिल्डिंग बना के हम लोगों ने उनको दिया कि सुशासन का प्रतीक बनेगा, वो पूरी तरीके से किस प्रकार से अड्डा बन गया है तबादला उद्योग का, ये हम लोग देख रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार होने की बात कही है, जिसके चलते पूर्व कुलपति सहित अन्य कई को नोटिस जारी किया गया है और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस भवन पर रोक लगा दी है। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ जैसे नारे देकर सत्ता में आने वाली भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को अनुपयोगी मानते हुए राज्य में इसे लागू नहीं किया और उसके बदले यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने का ऐलान किया। अब आदिवासियों तक इस योजना का लाभ पहुंचा कि नहीं, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आदिवासी तो राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का महज एक मुद्दा होते हैं। जब इन आदिवासियों के घरों में कोई बीमार हो जाता है तो ये सिर्फ मजबूर नजर आते हैं, संवेदनाएं तक इनके साथ नहीं होती हैं, योजनाएं तो बहुत दूर की बात होती है। सरकार किसी की भी हो, आदिवासी सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही बनकर रह जाते हैं। आदिवासियों के हित की बात करके सत्ता में भी काबिज हो जाते हैं, मगर आदिवासियों के दर्द उनकी संवेदनाओं से दूर दूर तक किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नाता नहीं होता। यहाँ तक कि इनकी जान की कीमत भी इनके लिए पशु की जान के बराबर ही होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने का ऐलान किया, मगर ज़मीनी हकीकत देखकर लगता है कि सरकार को आदिवासियों की कोई परवाह नहीं है। आज भी एक बीमार बेटी को खाट पर लादकर ग्रामीणों के सहारे 7 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लाने को एक अपाहिज पिता मजबूर है। हम बात कर रहे हैं पंखाजूर के टेकामीटा गांव की, जहां पिछले 15 दिनों से चिनकोबाई नाम की एक महिला बीमार है, पर लगातार हो रही बारिश और उफनते नालों पर पुल ना होने के चलते उसे अस्पताल नहीं लाया जा सका। वो पिछले 15 दिनों से तड़पती रही। जब नाले का जलस्तर कम हुआ तो विकलांग पिता अपने बीमार बेटी को खाट पर लादकर ग्रामीणों के सहारे 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद ऑटो के सहारे पंखाजूर के एक निजी अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज तो शुरू हुआ मगर अधिक देर होने के कारण स्थिति बेहद नाजुक है। कोयलीबेड़ा क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी कई दफा सामने आ चुकी हैं और तब विपक्ष में बैठे कांग्रेसी नेता तत्कालीन प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कस चुके थे, मगर आज प्रदेश में सरकार तो बदली है पर खाट पर सरकार तंत्र की यह तस्वीर जस की तस बनी हुई है।
क्या ऐसी तस्वीरों के साथ भूपेश सरकार एक नया बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने में सफल हो पाएंगे? यह आम आदमी यूं ही राजनीति का शिकार बनता रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे इंदौर पहुंचे और कांग्रेस के आम और खास व्यक्ति से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा, हर आदमी के काम हो, प्रदेश का विकास हो, यही उनका एजेंडा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के सभी कांग्रेस विधायकों और आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सिंधिया की नज़र फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर है। उनके समर्थक भी उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। ऐसे में सिंधिया का इंदौर में यह एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन ही था, जिसके जरिए उन्होंने खुद को पार्टी का एक कॉमन मैन साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और उनकी समस्याओं का निपटारा हो, वही चाहते हैं। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं के साथ मेरी मुलाकात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, उनके समस्याओं का समाधान निकले, जनता की विकास और प्रगति की योजनाएं बने। कल इंदौर को बहुत बड़ी सौगात मिली है मेट्रो के रूप में। इंदौर और भोपाल दोनों के मेट्रो कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत करवाए हैं और आगे भी जाकर हम लोग इसी तरह से कार्य करेंगे। ये निर्णय कांग्रेस हाईकमांड लेगा और जो भी निर्णय कांग्रेस हाईकमांड लेगा, मैंने सदैव कहा है, हमें स्वीकार है। कांग्रेस के संगठन को पूर्ण जीवित करना अति महत्वपूर्ण है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन देश भर में, और यही हम लोग सब लोगों का संकल्प है। इंदौर में सिंधिया ने सबकी सुनी और अपनी बात कही। उन्होंने कहा, जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार जल्द से जल्द फैसले कर जनहितैषी कार्यों को पूर्ण कर जनता को लाभ दे सके, यही सब कांग्रेस जनों की इच्छा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रहे घमासान पर सिंधिया ने कहा कि जो भी फैसला आलाकमान लेगा वो स्वीकार होगा। हमेशा विधायकों के निशाने पर रहने वाले छपरपुर के कलेक्टर मोहित बुंदास ने किसानों के साथ खेतों पर जाकर फसलों के नुकसान का निरीक्षण किया। कलेक्टर से नेता भले ही नाराज रहते हो लेकिन जनता के साथ उनके मधुर संबंध है। छतरपुर के राजनगर में भारी बारिश से हुए फसलों के नुकसान का निरीक्षण करने कलेक्टर मोहित बुंदास किसानों के साथ खेतों पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिलहन, उड़द एवं सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से तत्काल इनका सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा ताकि समय रहते किसानों की मदद की जा सके। मैंने ये पाया कि तिल की फसल तो अच्छी बताई है, बट उड़द की फसल के अंदर येलो मोज़ेक वायरस का कहीं जगह प्रकोप है, उससे कुछ नुकसानी हुई है। नुकसान का और देखेंगे कि जिस हिसाब का नुकसान होगा उस हिसाब से फिर हम किसान के लिए क्या कर सकते हैं। कलेक्टर बुंदास की कार्यप्रणाली की स्थानीय विधायक और नेता आलोचना करते रहे हैं, लेकिन आम लोग कलेक्टर की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हैं। फसलों के मुआवजे के मसले पर भी कलेक्टर खुद होकर खेतों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुष्ठ आश्रम पहुंची। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने कुष्ठ रोगियों को नाश्ता कराया और कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। संत हिरदाराम नगर के कुष्ठ आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने कुष्ठ रोगियों को नाश्ता कराया। साध्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। समाज में कुछ वंचित वर्ग हैं जिनको अकेला छोड़ दिया जाता है, हम सबकी सेवा करेंगे। साध्वी ने कहा कि कोई भी समाज में वंचित और पीड़ित ना रहे, सब मोदी को मन से आशीर्वाद दें ताकि वो और ज्यादा विकास कर सके। इस मौके पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने की अपील भी की गई। गांधी कुष्ठ आश्रम जहां कुष्ठ रोगी रहते हैं, इनको एक समाज में उपेक्षित भाव से देखा जाता है और वंचित भाव से देखा जाता है, उनके परिवार उनको त्याग देते हैं। तो इस सप्ताह के अंतर्गत हमने उनको अपनाया है और हमने ये उनको व्यक्त किया है कि हम आपको उपेक्षित और वंचित नहीं मानते हैं। इस समाज में कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी शोषित और पीड़ित नहीं है, कोई भी मन से दुखी ना हो, सभी प्रसन्न मन से माननीय मोदी जी को खूब खूब आशीर्वाद दें, जिससे कि वो कई गुना गति से और काम करें और पूरे अच्छे मन से काम करें, स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हों।
भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हरदा में चेतावनी रैली निकाली और कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार को 10 महीने हो गए, लेकिन उसने किसानों की सुध तक नहीं ली। रैली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हरदा के कृषि उपज मंडी में वचन निभाओ सभा एवं चेतावनी रैली का आयोजन किया गया। किसान संघ ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम हरि सिंह चौधरी को सौंपा। भारतीय किसान संघ के योगेंद्र सिंह भांबू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। 10 दिनों में कर्ज माफ करने की बात करने वाली सरकार 10 माह बीत जाने के बाद भी किसानों के सुध नहीं ले रही है। किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। ऊपर से जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन, मक्का एवं उड़द की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस विषम परिस्थिति में भारतीय किसान संघ जिला प्रशासन एवं प्रदेश की सरकार से मांग करता है कि अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का शीघ्र सर्वे कराकर आरबीसी 64 के अंतर्गत राहत राशि एवं फसल बीमा किसानों को दे। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि अभी तो हम चेतावनी रैली के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार समय से पूर्व किसानों को उनकी उपज का लाभ दे। चौधरी ने कहा कि आज का यह आंदोलन चेतावनी रैली सिर्फ हरदा जिले में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो वचन दिया है वचन निभाओ सभा की अध्यक्षता हरिशंकर सारण द्वारा की गई एवं कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री भगवान दास और द्वारा किया गया। जगदलपुर में नागरनार पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को 550 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की अनुमानित कीमत 28 लाख आंकी जा रही है। दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नागरनार पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर नागरनार पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 550 किलोग्राम गांजा और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गांजे की अनुमानित कीमत 28 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा में गांजा की बेशुमार खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई प्रदेश में गांजा खरीदने लोग उड़ीसा पहुँचते हैं। उड़ीसा में गांजे की बहुत ही कम कीमत होती है। यदि यह गांजा दूसरे प्रदेश पहुंच जाता है तो इसकी कीमत करोड़ों में होती है। इसी लालच में आकर लोग छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा से गांजा तस्करी करने पहुंचते हैं। बस्तर पुलिस गांजा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। पकड़े गए ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 7595 और इस गाड़ी की चेकिंग की गई और इस वाहन में जो है चेकिंग के दौरान करीब 550 किलोग्राम जो है अवैध गांजा जो है पाया गया और जो है इसमें दो आरोपी भी जो है पकड़े गए हैं। इन दोनों को जो है अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के मामले पर जो है इस प्रकरण में जो अवैध गांजा है 550 किलोग्राम वो जब्त कर लिया गया है। इस मामले पर जो वाहन जो है वाहन को जब्त कर लिया गया है और थाना नगरनार में जो है 20B NDPS एक्ट के तहत जो है अपराध कायम किया गया है। दो बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के साथ मारपीट की और फिर 25,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। ये घटना रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे की है। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर ट्रक चालक के साथ लूटपाट की। घटना रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे 75 पर गंज इलाके की है, जहां बीती रात सीमेंट से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और ट्रक का स्टाफ सो रहा था। तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने पहले ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर और एक अन्य के साथ मारपीट की, साथ ही कट्टे की नोक पर 25,000 और 3 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। हम लोग नहाने से जा रहे थे मैयर साइड से, जैसे गंज पहुंचे वहां हमारी एक गाड़ी खराब हो गई तो उसके कारण हम भी रुक गए वहां पर कि चलो साथ में रुके रहेंगे। तब उस गाड़ी पे था सिंगल, इस पे थे दो, तो हम तीनों लोग उसी में पड़े थे। वहाँ आए उन्होंने तो सीधे गाड़ी में चढ़ के उनने मारपीट हमको सोदे में मारपीट करने लगे, तो हम लोग वहाँ से न भाग पाए ना कुछ, तो उन्होंने बहुत मारा, मुड़ भी फोड़ दिया, हाथ पाँव में हर जगह मारा उन लोगों ने। 25,000 रुपये ले गए, 3 मोबाइल छीन के ले गए। घायल चालक जान बचाने के लिए बसारी गांव पहुंचा और फिर डायल 100 को सूचना दी। बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना बमीठा क्षेत्र की घटना है, कल रात्रि घटना है। इसमें एक ट्रक ड्राइवर और सिग्नल के साथ लूट हुई है। उनका ट्रक खराब होने से वो लोग ट्रक में ही सो रहे थे, इसमें
दो व्यक्तियों ने आकर उनसे 25,000 रुपये छीने हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। उम्मीद है शाम तक ही लुटेरे को पकड़ लिया जाएगा। वीडियो वायरल में आज बात करते हैं अति वर्षा की। अति वर्षा से जूझ रहे मालवा के लोगों का मानना है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा गंगा जल लेकर झूठी कसम खाने का नतीजा आम लोगों को भोगना पड़ रहा है। कांग्रेस की झूठी कसम मंदसौर इलाके पर भारी पड़ रही है और लोग परेशान हैं। बारिश ने मंदसौर इलाके में कहर बरपा दिया है। ऐसे में मंदसौर के लोगों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की झूठी कसम के कारण गंगा जी नाराज हैं और इलाके को अति वर्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मल्हारगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गंगा जली उठाई थी और झूठी कसम खाई थी, जिसका नतीजा आम लोगों को अति वर्षा के रूप में भोगना पड़ रहा है। आप भी सुने मालवी में अति वर्षा की वजह। अपने मंदसौरी और मंदसौर जिला री मल्हारगढ़ में आदरणीय राहुल जी, गांधी, ज्योतिराज सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी सब पधारिया था और वनाए गंगा जल हाथ में लई ने गंगा ने साक्षी मानी ने होगन खादा था। ज्योतिराज सिंधिया डोडर में गंगा साक्षी करी थी कि यह गंगा हाथ में लई ने मैं होगन खाई रहा कि 10 दिन में किसानों को कर्जो माफ़ कर दांगा और अगर 10 दिन में किसानों को कर्जो माफ़ नहीं करांगा तो मुख्यमंत्री चेंज कर दांगा। तो 10 महीना की सरकार वहीगी, 10 महीना में अगर 10 दिन में एक मुख्यमंत्री चेंज करता तो कतरा मुख्यमंत्री चेंज वेता। और या गंगा हरियाणा कांग्रेस वाला है झूठी होगन खादा है। अणिती या गंगा माता आना ने पहुंची रही और सबने घर में प्रवेश कर रही। अणिती किने भी दुखी व्यवहारी कई दिक्कत नहीं है। ये तो अनारा कर्मारा फल अपना ने भोगना पड़ी रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हाथ में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।